हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। और डियर, आज का टॉपिक जो है वो इसी बात के ऊपर है कि आपके पर्सन आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए हैं, आपके प्यार को ठुकरा कर अगर वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो क्या उनको सजा मिलेगी, क्या उनका पनिशमेंट हो सकता है। तो चलिए उस बात की तरफ हम ध्यान देंगे। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर जाने वाले इंसान को क्या पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो हैं उनके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए हैं, आपके प्यार को ठुकरा कर थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा और वो दूसरी तरफ चले गए, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को भी नहीं देखा, आपको रोता छोड़कर गए हैं, कुछ भी नहीं सोचा। क्या आपके पर्सन को आपका दिल दुखाना चाहिए था या नहीं दुखाना चाहिए था, तो उसकी सजा उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज हम देखने वाले हैं। क्या पनिशमेंट इनको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो दे रहा है। आप में से कुछ लोग तो डियर ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिले, आपके पार्टनर जो है दुखी हुए। आप में से कई लोग नहीं चाहते कि आपके पार्टनर को तकलीफ हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप प्यार करते हो। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है पनिश हो। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने जैसा किया है उन्हें भी तो तभी तो वैल्यू समझेंगे ना, तभी तो वो चीजों को रियलाइज कर पाएंगे कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है, कैसे सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला है। तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है डियर, यहाँ पर हमारे पास में फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से हमारे पास में जो कार्ड निकला है वो है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड जो आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स है डियर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है डियर। ओके, सारे कार्ड विजिबल हैं। और यहां से हमारे पास में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड जो है टेम्परेंस की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स, आप कार्ड को देखिए, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलिए और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल तोड़ा गया है, धोखा दिया गया है, चीटिंग करी गई है और वो एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। ओके डियर, तो चलिए बॉटम की एनर्जी से जो एनर्जी है द फूल की एनर्जी है। ओके, चलिए बात करी जाए कि आपके पार्टनर आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर गए हैं, क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगा या नहीं। चलिए मैं पहले साइन आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या साइन है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास में द फूल की एनर्जी है। और डियर, फूल की एनर्जी बता रही है कि जो भी आपके पार्टनर ने बेवकूफियां करी है वो चीजें उनको कुछ ना कुछ रियलाइज हो रही है, वो चीजें उन्हें कुछ ना कुछ समझा भी रही है। एयर साइन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और डियर, वाटर एनर्जीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। फायर एनर्जी है हमारे पास में एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। और अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत प्यार दिया है। आपके प्यार की अगर बात करी जाए तो आपका प्यार जो है बिल्कुल एक ऐसा लव था, एक ऐसा प्यार था कि आपने सच्चे दिल से इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, बहुत लव दिया है डियर, है ना। हर समय इसको कहीं ना कहीं इसकी खुशियों को आगे रखा है, वो चीज दिखाई दे रही है। और ये पार्टनर आप में कमियां ढूंढते रहे, आप में कहीं ना कहीं बुराइयां निकालते रहे, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। आपके प्यार को छोड़कर चले गए, आपके पार्टनर ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मूव ऑन हो गए हैं आपकी जिंदगी से। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो बिना बताए गए हैं, ठीक है डियर। यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसे भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए, बिना बताए गए हैं और पीछे मुड़कर
देखना भी नहीं चाहा कि आप किस हाल में होंगे, आप कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे इतनी सारी स्थितियों को संभालेंगे, वो चीज की तरफ इस इंसान ने ध्यान नहीं दिया। मतलब कि गलती भी करी और आपको ही गुनहगार ठहरा दिया इस इंसान ने। देखिए, पार्टनर कहीं ना कहीं परेशानी में है। हो सकता है कि पार्टनर, अभी बात करी जाए करेंटली, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज बता रहे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है। ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम में ये घिर चुके हैं, शायद उससे निकल पाना इनके लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से निकल पाना इनके लिए मुश्किल है। देखिए, आपके प्यार को इग्नोर किया इन्होंने, हो सकता है, और ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कोई दूसरे रिश्ते को देख रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ में रह तो रहे थे, पर इनका ध्यान जो है, इनकी जो एनर्जीज थी, वो किसी और रिश्ते की तरफ ज्यादा थी। हो सकता है कि ये पार्टनर का फोकस किसी और की तरफ था, या कोई इनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक्स थी, या फिर कोई ऐसा पर्सन था जिसकी तरफ आपके पार्टनर का पूरा पूरा ध्यान था। ठीक है, और आपके पार्टनर उस पर अपना फोकस कर रहे थे और पार्टनर आपको छोड़ गए। पार्टनर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना बताए आपसे नजरे चुरा कर चले गए, है ना? तो वो चीज दिखाई दे रही है, अकेला छोड़ गए आपको, क्योंकि बेवजह आपको सजा दी है आपके पार्टनर ने। अकेला छोड़ा, आपका साथ छोड़ा, आपके साथ में गलत करके गए, तो वो चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बेवजह इस इंसान ने आपके साथ में गलत किया है। अब पार्टनर का भाग्य ऐसा दिखाई दे रहा है, भाग्य में वही होगा जैसा पार्टनर ने आपके साथ किया है, जैसा पार्टनर ने आपका प्यार ठुकराया है ना, आपके लव को नहीं समझा, वही चीजें आपके पार्टनर के साथ में होने वाली है, वही चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हर्ट करने वाली है। यूं समझ लीजिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब आपके पार्टनर को भी ये थर्ड पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ठुकराएगी। ठीक है, पार्टनर जहां प्यार लुटाएंगे ना, वो इस पार्टनर के प्यार को नहीं समझेगा। ठीक है, जिस भी, जहां पर भी आपके पार्टनर जो है प्यार लुटाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं या किसी एक्स के पास अपना प्यार लुटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो इस पार्टनर के प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझने वाला है। बिल्कुल भी उस जगह पर आपके पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है कि ये इनका प्यार जो है वो सही है, इनके प्यार की कोई कद्र होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है कि, और बल्कि इनको तो धोखा ही देगा वहां से ये थर्ड पार्टी। तो धोखा देने वाली है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के प्यार, जितना भी चाहे ये उस पर अपना प्यार निछावर क्यों ना कर दे, प्यार लुटा क्यों ना दे, पर इस प्यार की कद्र थर्ड पार्टी को नहीं होने वाली है। जैसे आपके दिल पर चोट पहुंचाई है, जैसे आपके दिल में जख्म दिए हैं कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी कोई तो सोर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऐसे ही सोर्ड्स आपके पार्टनर को चुभो दी जाएगी, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि, यूं समझ लीजिए कि आपके पार्टनर का दिल भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में आ जाएगा, है ना? जिस तरह से भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाई थी, आपको कहीं ना कहीं परेशान किया था, उनका भी दिल टूटेगा, उनके भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनके भी प्यार की कोई कद्र नहीं करेगा। तब इनको एहसास होगा कि दिल क्या होता है, दर्द क्या होता है। दिल के टुकड़े जब होते हैं तो कितना दर्द होता है समेटने में। दिल तोड़ना तो आसान है, पर दिल को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। तो ये बात आपके पार्टनर को समझ आएगी। और देखिए, जिसके वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, और थर्ड पार्टी का साथ, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का साथ तो इन्होंने थामा था आपका साथ छोड़ के, पर अब इनका साथ कोई नहीं देने वाला। इनकी लाइफ में जिनके लिए इन्होंने आपका साथ छोड़कर गए थे, वही लोग अब इनको इग्नोर करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी फीमेल के प्रेशर के कारण, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे फीमेल है, कुछ ऐसे एनर्जी है, मदर एनर्जी हो सकती है इनके पीछे कहीं ना कहीं। आप यूं समझ लीजिए कि इन्होंने, आपके पार्टनर ने रिश्ते पर
ब्रेकअप लगाया है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई फीमेल फिगर है और वो जो है वो नहीं चाहती है कि आपका और इनका रिश्ता जुड़ जाए। आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता जो छोड़ा है, रिश्ता जो तोड़ा है, वो उस फीमेल की वजह से तोड़ा है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा बर्डन डाल रही है वो फीमेल एनर्जी आपके पार्टनर पर। हो सकता है कि इनका खुद का स्टेटस है, इनकी खुद की लाइफ है और ये नहीं चाहते हैं कि कहीं पर गलत चीजें हो। ठीक है, देखिए ये थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली जो है आपके पार्टनर के पीछे कहीं ना कहीं अब कुछ नया करेगी, ऐसा करेगी, यानी यूं समझ लो कि गलत आपके पार्टनर ही कहलाएंगे, है ना। तो ये थर्ड पार्टी जो है गलत आपके पार्टनर को ही कहलाएगी। आपके साथ थे तो हमेशा जीतते थे, आपके साथ थे तो हमेशा विक्ट्री हासिल करते थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि जब से इस पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा है, जब से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, आपसे दूरी बनाई है, तब से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हारने लगे, सब कुछ खत्म होने लगा है। जहां अपने लक्ष्य को हासिल करना है वहां पर आपके पार्टनर जो है अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका एक सपना था कि अपने लक्ष्य को हासिल करना है, नेम फेम चाहिए इन्हें, तो ये जीत नहीं मिलेगी इन्हें। क्यों? क्योंकि इनकी अब वो जीत जो है, जिसके बेस पे ये जीतते थे, वो चीज ही कहीं ना कहीं हट जाएगी। जॉब के लिए गए हैं तो इनको जॉब भी नहीं मिलेगी, हार जाएंगे डियर, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। यानी आपको छोड़कर अगर ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, सक्सेस किसी और के साथ में शेयर करना चाहते थे, तो ये इंसान हार गया है, इसकी लाइफ जो है बहुत बुरी तरह से हार गई है। देखिए यहां पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि ये पार्टनर अब स्टक हो जाएंगे, है ना। समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया है उनके साथ में, कैसे हो रहा है, कैसे सिचुएशन चल रही है, समझ कुछ भी नहीं आएगा, स्टक होने वाले हैं। अब पैसों को लेकर भी पार्टनर जो हैं बहुत कुछ सोचने वाले हैं। पार्टनर की लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रही है, पैसों को लेकर हो सकती है, पैसों की प्रॉब्लम बहुत घेरने वाली है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है, आप यूं समझ लीजिए कि आपने हमेशा इस इंसान को कहीं ना कहीं समझाया है, कहीं ना कहीं सही बोला है, आपने पार्टनर को नेगेटिव बोलते जो पार्टनर थे ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत समझाया है कि इस तरह से नेगेटिव बातें ना करा करे, नेगेटिव चीजों की तरफ ना बढ़ा करे। फिर भी पार्टनर जो है नेगेटिव चीजों की तरफ बढ़ते चले गए, नेगेटिव बोलते चले गए, और नेगेटिव के लिए सही बोला तो आप ही गलत हो जाते थे। अगर आप बोलते थे कि नहीं ये नेगेटिव है, ये गलत है, तो आपके पार्टनर क्या करते थे, आप ही को गलत ठहरा देते थे, है ना। तो नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच हो चुकी है आपके पार्टनर की। अब ये पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा उटपटांग बातें भी सोच रहे हैं, वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं। आखिरी समय पर समझ आ रहा है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कि गलती हो गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज हो चुका है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, और वो आखिरी समय पर कहीं ना कहीं सही चीजों की तरफ देखना चाहते हैं। गलती हो गई है और पार्टनर को याद आया क्या क्या किया आपके पार्टनर ने, क्या गलत किया है, वो सब चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है, जो गलत चीजें इन्होंने की है। और डियर वो गलतियां इन्हें वापस एहसास दिलाएगी, जो गलतियां आपके पार्टनर ने की है वो गलतियां आपके पार्टनर को वापस एहसास दिलाएगी। उस पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, वही पार्टनर पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर जो है ना पर वापस भी आएंगे। पार्टनर का दिल कर रहा है आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करने का, तो वो चीज दिख रही है। ये बोझ नहीं उठाना चाहते, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बोझ नहीं उठाना चाहेंगे। और पार्टनर से कर्मा तो मतलब घूम फिर के पार्टनर की तरफ ही आ रहा है, वापस पार्टनर की तरफ आएगा, पछताएंगे डियर आपके पार्टनर, है ना। चलना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा बर्डन इनको होने वाला है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। और
आपके साथ अच्छा नहीं किया है ना, लोगों की बातों में यकीन किया, आपको इग्नोर किया और ईगो में आ गए है ना, आपकी बात नहीं सुनी, आपको ब्लॉक कर दिया बिना रीजन के। ऐसा पार्टनर के साथ बहुत जल्द होगा जैसा उन्होंने आपके साथ में किया है। बिना रीजन के इस इंसान ने आपकी लाइफ जो है वो खराब करी है, अब इस इंसान की लाइफ भी खराब होने वाली है। प्यार क्या होता है, एक समय ऐसा होगा कि पार्टनर की भी कोई बात नहीं सुनेगा, पार्टनर जो आपके बातों को इग्नोर करते हैं, तो ऐसा समय आने वाला है कि आपके पार्टनर की भी कोई बात नहीं सुनेगा। जब पार्टनर को कोई नहीं समझेगा, जब पार्टनर को कोई नहीं जानेगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर समझेंगे कि कैसे उन्होंने सारी सिचुएशन को कैसे खराब किया है, क्या कर बैठे हैं। इनको रियलाइज होगा कि क्या कर दिया आपके पार्टनर ने, क्या खो बैठे हैं आपके पार्टनर। आपको छोड़कर बर्बाद हो गए, आपको छोड़कर उनकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई। ठोकर खा के अकल आती है, तो वही चीज दिख रही है कि आप ठोकर खाएंगे तो आपके पार्टनर जो है सही गलत को पहचान पाएंगे। तो ठोकर खाने वाली नौबत तो मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और डियर ये दिख रहा है कि पार्टनर अहंकार के नशे में है, पार्टनर जो है किसी तरह का ऐसा अहंकार है, किसी तरह का ऐसा ईगो है, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, अपने आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं है, अपने पावर में है और एटीट्यूड में है। डियर बहुत जल्द घमंड कम होगा आपके पार्टनर का, बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर जो घमंड है, जो एक ईगो बहुत है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। पार्टनर का दिल भी टूटेगा, पार्टनर का जबरदस्त फायदा उठाया है इस थर्ड पार्टी ने, तो थर्ड पार्टी जितना उठाना था उठा चुकी है और बेवकूफ बना रही है अब आपके पार्टनर को। बेवकूफ है ना, फूल की एनर्जी है तो बेवकूफ तो बना रही है आपके पार्टनर को। घर वालों के कहने में शादी कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो है, हो सकता है अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली की बात नहीं टालते हैं, तो यहाँ पर फैमिली के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं किसी और कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी और कनेक्शन में जा रहे हैं, कोई शादी कर सकते हैं या फिर कोई कमिटमेंट या कोई सगाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपसे ब्रेकअप कराया गया है इस थर्ड पार्टी की तरफ से और फिर आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं शादी, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट कराई जा रही है। ठीक है, तो ब्रेकअप किया है और यहाँ पर सक्सेस नहीं होगी इन लोगों की शादी। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में शादी करना चाहती है, तो ये शादी जो है सक्सेस नहीं होगी, इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जैसा आपके पार्टनर ने किया है वैसी सजा उनको जरूर मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी का कर्मा है ये, आप यूं समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी जो है दर्दनाक कर्मा इस थर्ड पार्टी को मिलने वाला है और आपके पार्टनर को भी मिलेगा, क्योंकि हम पार्टनर का ही कर्मा देख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्मा मुझे दोनों का दिखाई दे रहा है। दर्दनाक हर्ष होने वाला है आपके पार्टनर का, ऐसे चुभन होगी, ऐसा दिल दुखेगा, ऐसे दिल के टुकड़े होंगे कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि दर्दनाक हर हालत में आने वाला है आपका पार्टनर। ठीक है, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, आंख से आंसू बहेंगे, पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की होने वाली है। आपके पार्टनर की सिचुएशन मुझे बहुत खराब दिखाई दे रही है। देखिए उसके बाद में यहाँ पर दिल भी टूटने वाला है थर्ड पार्टी से, उन्हें बहुत जबरदस्त धक्का मिलने वाला है और थर्ड पार्टी जो है उनका हर्ष जो है बहुत बुरा कर देगी, क्योंकि धोखे में तो रखी हुई है ये थर्ड पार्टी और पैसा नहीं मिलेगा, तो ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर की और वाट लगाने वाली है। बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जिंदगी जो है ना वो खत्म करनी है, पूरी तरह से खत्म करनी है। तो डियर यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है मूव ऑन नहीं होने दे रही पार्टनर को, पार्टनर को निकलने नहीं दे रही, पार्टनर को उलझा के रखी हुई है और कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करके रखी है। ये विक्ट्री हासिल करना चाहती है, ये चाहती है कि आपके पार्टनर को ये कंट्रोल कर ले, आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ जाए। ओके, तो ये है थर्ड पार्टी डेली अपडेट और डियर बहुत छोटा रीडिंग रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया है, पर
आपको रीडिंग जो है कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, रेजोनेट करा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।